पीटीआई का बड़ा फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान को 20 जुलाई तक मुस्ताफी होने की मोहलत दे दी। मुस्ताफी ना होने की सूरत में 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। मरकज से पार्लिमानी लीडर सरताज गुल या अपोजिशन लीडर उमर अयूब रेफरेंस दायर करेंगे। और पीटीआई का एडहॉक जजिस की तैनाती रोकने के लिए तहरीक चलाने का फैसला। गिरफ्तारियों से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा के लिए हिकमत अमली बनाएगी। केसेस में मतलूब अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा।